मायसेल्फ डॉक्टर अजहर, आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी GMC डोडा। हम यहाँ पर आए हुए थे, ये हमारी एक NGO है, उन्होंने एक प्रोग्राम करवाया हुआ था ऑन द अवेयरनेस ऑफ HIV/AIDS। तो हम उसी सिलसिले में यहाँ पे आए हुए थे कि यहाँ लोकल्स भी आए हुए थे, तो उनको थोड़ा सा अवेयरनेस दे दें कि एड्स जो है ये, इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, अगर किसी को हो जाए तो वो डरे ना इस चीज़ से, ठीक है। तो मैंने कुछ सिम्टम्स इनको बताए कि अगर किसी को प्रोलॉन्ग फीवर रहता है, फीवर ज़्यादा टाइम तक रहता है, एक महीने से ज़्यादा, प्रोलॉन्ग डायरिया रहता है, डायरिया बहुत ज़्यादातर रहता है, रैशेज आते हैं, हेडेक रहता है ना, ऐसे इस तरह के जिसको सिम्टम्स होते हैं, तो उसको टेस्ट करवा लेना चाहिए कि कहीं उसको एड्स ना हो, उसको HIV वायरस ने इन्फेक्ट ना किया हो। तो बस यही है, जिसको हुआ है उसको ये ध्यान में रहे कि अगर उसको हुआ है तो वो उसके ज़रिए किसी दूसरे में ना जाए, ठीक है, वो दूसरे सोसाइटी को बचाए, सोसाइटी उससे बची रहे, बाकी वो नॉर्मल वर्क कर सकता है, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे हाथ मिला सकते हैं आप, उससे हग कर सकते हैं आप, उसको किस कर सकते हैं आप, उससे मिल सकते हैं, वो खेल भी सकता है आपके साथ, जैसे एक नॉर्मल पर्सन जो बिहेव करता है वैसे वो भी बिहेव करता है। बस सिर्फ ये दो चार चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसका नहीं होना चाहिए, सेक्चुअल कॉन्टैक्ट उसका विदाउट प्रिकॉशन किसी का नहीं होना चाहिए, अगर किसी मदर को हुआ है तो वो मदर विदाउट टेस्ट जो है अपने बेबी को फीडिंग ना कराए, और जो है कोई अगर इस तरह का पर्सन नीडल्स यूज़ कर रहा है तो उसकी यूज़ नीडल जो है रीयूज़ नहीं होनी चाहिए। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी वो नॉर्मल रह सकता है, नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड ही है वो 2 साल से 15 साल तक है, कुछ लोगों को 20-20 साल तक मालूम ही नहीं पड़ता कि उनको एड्स हुआ है। तो बाकी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और सोसाइटी जो है सोसाइटी को बचाना है बस, बाकी और कुछ नहीं, नॉर्मल ज़िंदगी आप गुजार, डरने की ज़रूरत कुछ भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। एंटीबॉडीज एंटीजन को किल करती है और फिर हमारा इम्यून सिस्टम जो है कलेक्टिवली वर्क करके इसको एलिमिनेट करते हैं बॉडी से, ठीक है। अब ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है जो हमें बीमारियों से बचाता है, जो हमें सेफगार्ड करता है एंटीजन से या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में जब आता है, आपको बताया जा रहा है कि इसमें वो वायरस बॉडी में जाए, मिथ्स भी हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर मच्छर काटे उससे भी, अभी यहाँ इस प्रोग्राम में भी वो रेड रिबन हो गया, कहीं रैशेज पड़ गए। HIV का जो इन्फेक्शन होता है ये इनिशियल केस में तो मालूम ही नहीं पड़ता है, इनिशियली जो है आपको मालूम भी नहीं पड़ता, जिसको भी इन्फेक्शन होगा उसको मालूम नहीं पड़ेगा, सिम्टम्स आते हैं, फीवर हो जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है, उसको